मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके अंतर्गत अब कृषि उपज मंडी में किसानों को अपनी फसल की तुलाई और हममाली नहीं देनी पड़ेगी। इस बात के विरोध में तुलावटी और हममाली संघ सड़कों पर आ गया है। दरअसल मामला खरगोन का है जहां संघ उपरोक्त फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि किसान को मंडी में अपनी फसल की तुलाई और हममाली का पैसा नहीं देना पड़ेगा जिससे प्रदेश सरकार वहन करेगी, जिसके विरोध में तुलाई और हममाली संघ ने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संघ ने बताया कि हमारे न रहने से किसानों के साथ छलावा हो सकता है, वहीं हजारों की तादाद में हम गरीब मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि उक्त मामले को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हमारे कुछ मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगने से हमारी तुलाई का शोषण किया जा रहा है। अभी कुछ आदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निकाले गए हैं कि इनकी तुलाई और हिमाली नहीं दी जावे, और कुछ मंडियों में हमारे तुलावटी भाइयों के साथ में नोटिस जारी मंडियों ने कुछ में कर दिया है, उसको एक तारीख से लागू करना है। उसके विरोध में हम इसका एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय जी को आज हम सबमिट कर रहे हैं। क्या मांग की आपने? हमारी जो तुलाई है और हिमाली हमारी पूर्ण इन दरों में तुलावटी के दर में मतलब हमको दिया जाए। क्या नाम है आपका? हरनाम सिंह सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।